हेलो व्यूअर्स, ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो। एक और डेयरी फार्म जो कि अगेन हमीरपुर में है। अभी हमने थोड़े दिन पहले एक और पहले वीडियो शूट करा था, वो भी हमीरपुर का है था, और ये भी हमीरपुर में चबूतरा के पास एक री जगह है। वहाँ के रहने वाले हैं ये अश्विनी शर्मा जी, और ये कितने टाइम से ये डेयरी फार्म कर रहे हैं और इनका अनुभव अभी तक का कैसा है। आपको उनसे बात करने से पहले मैं थोड़ा सा इनका फार्म का ओवरव्यू करा लेता हूँ कि किस तरह की काउज ये रखते हैं, उसके बाद उनसे बात करेंगे। तो ये इनके पास फर्स्ट नंबर की काउ है, HF गाय है। आप इसका अडर का साइज़ देख सकते हैं, देखिए कितना बढ़िया अडर साइज़ है गाय का, और ये काफ़ी अच्छे दूध वाली है। कितना ये दूध देती है, क्या फीडिंग शेड्यूल है, उनसे बात करेंगे। और ये आप देखेंगे, ये इनकी सेकंड काउ। आपको गाय बहुत ही छोटी सी दिखेगी, और ये क्रॉस ब्रीड काउ है जर्सी के साथ। और आप अडर साइज़ देखिए, गाय के खुद के साइज़ से बड़ा इसका अडर का साइज़ है। और इसको कितना दिन काविंग क्यों हुआ है, और ये कौन से लैक्टेशन में है, ये भी ओनर से जानेंगे। और ये इनकी थर्ड नंबर की गाय जो कि एक HF फर्स्ट टाइमर है। इसका भी काफ़ी सुंदर स्ट्रक्चर है इस गाय का भी, और अटैच्ड अडर है। ये इनकी थ्री काउस, और ये इस तरह से आप देखो कितनी सुंदर इनकी गाय हैं, कैसे ये रख रखाव करते हैं, या फीडिंग शेड्यूल क्या है इनका, कितने बजे मिल्किंग करते हैं, कितना दूध देते हैं, कहाँ ये दूध बेचते हैं, वो सभी अभी इनसे बात करेंगे। और ये एक और इनकी HF गाय। आप गाय की वेंस देख पाएंगे, काफ़ी बढ़िया वेंस हैं गाय की। तो इस तरह से ये छोटा सा डेयरी फार्म है। कितना पर डे का दूध ये सेल करते हैं, कितने तक इनको इनकम हो जाती है, और इनकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, ये आपको अंदर का दिखा देते हैं। कोई बहुत बड़ा फार्म नहीं है, छोटा सा फार्म है। ये मिल्किंग मशीन का भी यूज़ करते हैं, और आप देखेंगे इस तरह से ये अंदर इन्होंने खुरलियाँ बना के रखी हैं, और ये पंखे भी ऊपर लगा के रखे हैं। और इस तरह से ये अपस्टेयर जो हिमाचल का ट्रेंड, या हिमाचल के जनरली जो लो स्टोरी और अपर स्टोरी में होता है, तूड़ी या घास वास रखने के लिए बनाया होता है, उस तरह का ये पूरा सिस्टम इनका। ये देखिए अंदर छोटा सा फार्म, और ये देखिए इनका भी जनरली ये तूड़ी और फीड इसी पे अपने पशुओं को रखा है। हालांकि इनके पास काफ़ी ज़मीन है, वो आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इनके ग्रीन फॉडर के खेत हैं, और इनके पास काफ़ी सारी ज़मीन यहाँ पे है। और ये कितनी सुंदर लोकेशन पे इनका फार्म है, क्योंकि अभी बारिश कम है और पानी की फैसिलिटी उतनी नहीं है, तो अभी ग्रीन फॉडर उतना अवेलेबल नहीं है। और ये देखिए, ये काफ्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं। एक ये काफ है, और एक ये जर्सी का काफ। ये 40-120 का काफ है, और ये भी ABS के 40-116 ये भी सैक का ही है, सैक का नहीं, ये ABS का। तो व्यूअर्स, ये इनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बट ये भी इम्पोर्टेड, दोनों काफ़ी इम्पोर्टेड। आप देखिए इस काफ की क्वालिटी कितनी सुंदर है, और ये आगे चल के बहुत ही सुंदर गाय के शेप में आएगी और काफ़ी अच्छा दूध देगी। तो आइए व्यूअर्स, बात करते हैं फार्म के ओनर से। जी नमस्कार जी। नमस्ते सर। पहली बात तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी बहुत अच्छी गायें हैं आपके पास। धन्यवाद सर। और आपसे जानना चाहेंगे कि आपने ये फार्म कब शुरुआत करी? सर मैंने तो थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा आपको। मैंने तो सर 2011 से एक गाय पाली हुई थी जी, और उसके बाद जो है थोड़ा मैंने बोला पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, तो फिर धीरे धीरे मैं इनके ऊपर फोकस लगा दे रही, और भगवान की दया से मेरा काम अब ठीक चला हुआ है, और इनकी मेहनत से हम भी रोटी खा रहे हैं और निर्वाह कर रहे हैं। तो हमारा तो यही है कि हम दिन दुगना रात चौगुनी
इनके ऊपर तरक्की करें जी। हाँ जी, आपकी लोकेशन क्या पड़ती है? सर मेरी है विलेज एंड पोस्ट ऑफिस री जी, और टप्पा हमारा चबूतरा पड़ता है जी, तहसील सुजानपुर जी जी। आप कितने टाइम से ये काम कर रहे हैं अश्विनी जी? सर एक्चुअली 2011 से नॉर्मल पकड़ा था मैंने काम, और अब जो तीन चार चार पांच गांव गाय के ऊपर जो है वो फोकस है। अब ये है कि इसके ज़्यादा भी हम जाना चाहते हैं और भी पशु रखना चाहते हैं जी, क्योंकि अब हमें अच्छा इनकम साधन मिल गया है और इसको जो है दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहे हैं। अभी टोटल अगर हम बात करें तो कितना दूध आपको हो पा रहा है? सर इसमें तो पहले तो था मेरा 80 kg, लेकिन अब ये नया इलेक्ट्रिशियन गाय हुई है तो अब मेरा क्विंटल के अब हो गया है, इससे ऊपर चला गया है। और क्या रेट आप दूध बेचते हैं? सर मेरा 55 है, 55, और मार्च में मैं 60 के बीच बीच कर दूंगा इसका रेट, जैसे रेट बढ़ेंगे ना जी। ग्रीन फॉर्डर हो गया या दूसरा हमारा राशन का रेट बढ़ रहे हैं तो हम अब सोच रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादा कर रहे हैं रेट। तो अश्विनी जी, जैसे बहुत सारे लोग वीडियोज़ देख के इंस्पायर होते हैं कि हम भी इस तरह की काउज रखें, तो इन गायों को रखने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत रहती है? सर इनका तो ज़्यादा सोचा जाए कि ज़्यादा महंगा काम है तो नहीं, ये तो अब नॉर्मल है। ग्रीन बॉर्डर हमारे घर पे उपलब्ध है जो हरा घास होता है, और फीडिंग प्रोसेस क्या है, सुबह शाम दो टाइम आप फीड डालो, और जो अपने घर के पास हरा चारा होता है उसको मिला के आप पशुओं को दें, तो इससे ज़्यादा नॉर्मल काम है, कोई बड़ा बोझे वाला काम तो है नहीं। अगर अश्विनी जी वैसे बात करी जाए, अगर मैं जनरली आपसे पूछूं कि इन पशुओं से आपकी महीने की जो इनकम है वो कितनी है, वो काइंडली आप हमें सच जो हो वही बताइए, क्योंकि बड़ी सारी चीज़ें यूट्यूब पे लोग बड़ी हाइपोथेटिकल फिगर्स में बात करते हैं, बड़ा फैंसी फिगर, और उसी फिगर को देखते दूसरे भी शुरुआत करते हैं, और जब वो जो बताई हुई फिगर्स पूरी नहीं होती तो कहीं ना कहीं वो डिमोटिवेट होते हैं। सर तो इसमें ये है कि सारे पशु दूध वाले हों और थोड़ा ड्राई सीजन ना हो, तो मिनिमम 1.5 लाख के करीब के महीने का इनकम है इसकी, और इसको ये है कि पशु को निकाल के हमारे पास जो है, अब ये तो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमने पशुओं को कितना खाना, नहीं कितना इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इनकम मैं नेट इनकम की बात कर रहा हूँ, खर्चे निकाल के कितना बचा पाते हैं? तो सर ये 70-75 हज़ार रुपये तो नॉर्मल है। कितनी गायों से? ये चार गाय से आप आराम से प्राप्त कर सकते हैं। तो व्यूज़ ये देखिए, ये इनके पास 4-5 काउज हैं, हीफर्स हैं, तो इन्हीं गायों से ये महीने का एवरेज अगर आप भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, अगर ये क्विंटल दूध अगर बेचते हैं और 55 रुपए के हिसाब से अगर दूध जाता है तो आप मोटा मोटा कैलकुलेशन कर ही सकते हैं कि ये महीने का कितने का दूध बेचते होंगे। तो ये थंब रूल है डेयरी फार्म में कि जितनी आपकी अर्निंग होती है उसका आधा तो गाय खा जाएगी, रिमेनिंग आधे से कम सर, हाँ आधे से भी कम खाती है, बट फिर भी हम जनरली एक बात करें तो आधा आपकी गाय के लिए चला जाएगा, उसके रखरखाव के लिए चला जाएगा, तो बाकी जो बचा वो आपका नेट प्रॉफिट है। अब आप चार गायों के पीछे चार बंदे रख लेते हैं वो एक इंडिविजुअल की गलती है, अदरवाइज तो चार बंदों के लिए आपको गाय की जरूरत है ही नहीं है। तो उस हिसाब से व्यूअर ये देखिए, 70-80 हज़ार रुपया चार गायों से कमाना और एक रेगुलर रूटीन से वो इनकम, क्या रेगुलर वो क्विंटल दूध चल पाएगा चार गायों से? चलता है, लेकिन सर इसमें कि थोड़ा महीना डेढ़ दो महीने का ब्रेक भी लगता है, जैसे कोई ड्राई हो गया जी, तो इसी वजह से तो हम ये है कि किसी और जो हमारे मित्र सज्जन है हम उनसे ले लेते हैं, लेकिन ये है जो हमारी बंद है या हमारा जो भी नेटवर्क है उसको हम फ्लॉप नहीं करते कि बंद कर देना या कर देना जी, तो हम उनसे ले लेते हैं, और जैसे उनको जरूरत पड़ती है, जैसे हमारे पास अब ज़्यादा दूध है तो हम उनको देना शुरू कर देंगे, जैसे वो मांग रहे हैं कि हमारे पास दूध की ज़रूरत है, तो हमारा इसमें चलता रहता है, और जैसे कि हमारे कस्टमर ज़्यादा बढ़ेंगे तो हम एक गाय और रख लेंगे। और एक और चीज़ बताइए कि जनरली ये भी कहा जाता है कि ये जो HF गायें हैं इनका दूध पतला होता है, तो आपकी जो कस्टमर्स हैं उनकी क्या फीडबैक रहती है? नहीं सर मेरे तो अभी तक ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि बोलते हैं कि हाँ इसमें आती है कि HF जो है वो इनका दूध पतला होता है, लेकिन ये सब खान पान के ऊपर डिपेंड है, अच्छी डाइट दें पशु को, अच्छा मिनरल मिक्सचर दें, और थोड़ा ग्रीन फॉर्डर के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दें, तो फैट में कोई कमी नहीं आएगी। अब हम इंडिविजुअल पशु के बारे में बात करते हैं, जैसे ये आपकी HF गाय है, ठीक है, तो इसके बारे में बताइए इसने कब बच्चा दिया? सर इसको तो अभी 5-7 दिन हुए बच्चे दिए हुए, और इसका इलेक्ट्रिशियन पे पीरियड जो था वो हमने 7 महीने तक लिया, और 2 महीने हमने ड्राई रखा इसको, और जितना हम ड्राई रखेंगे पशु को सोने से पहले तो उतना ज़्यादा हम आगे दूध प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा होता है कि लोग लालच करते हैं, गाय को फीड फाड़ देते रहना और दूध जो है उसका प्रॉपरली चला रहता है, 1.5-2.5-3-4 किलो जो है समय पर देती रहती है, तो ड्राई नहीं होती है, उसी वजह से अगला जो इलेक्ट्रिशियन होगा उसमें मार पड़ेगी। फिर अभी कितना टाइम हो गया इसको बच्चा दिए हुए? ये सर 4-5 दिन हो गए इसके।
अभी 4-5 डेज हुए व्यूअर्स, ये इसका काफ है, आप देख सकते हैं अभी इन्होंने डिहॉर्निंग भी नहीं करा है। तो अभी अभी करंट सिचुएशन में ये कितना दूध निकाल रही है? सर इसमें तो अभी इसका 16-17 लीटर वन टाइम का है, मतलब 32-33 लीटर दूध पे अभी चल रही है। चल रही है, और नॉर्मल फीड है इसमें, क्या बिनोले की खल है और चोकर है, और अभी तक तो उसको ना फीड लगी ना दूसरा जैसे बाईपास एनर्जी दे देने पड़ती है, वो भी नहीं देते हैं अभी, इसको तो लगेगा 10 दिन के बाद। तो अभी अभी इसके इसकी फीडिंग शेड्यूल क्या रहेगा, जब ये 11-12 दिन हो जाएंगे उसके बाद आप कौन सी फीड यूज़ करेंगे? सर, हम तो फीड करेंगे कारगिल फीड ही हमने यूज़ की, कारगिल 8000 नंबर की फीड आती है, वो नंबर वन फीड है ये हिमाचल में, और भी कई आशीष आई है, दूसरी फीड आई है। चलो हम किसी की फीड की बुराई या अच्छाई नहीं करेंगे, जो आप देते हैं वो बहुत बढ़िया है। सर मैं तो इसी के ऊपर विश्वास करता हूँ, बढ़िया, मैंने किसी से नहीं, मेरे पास व्यूज इंडिविजुअल आपकी चॉइस है, आप कारगिल यूज करो या कोई और। कारगिल का ये है कि हमने इसको दूध के हिसाब से फीडिंग करनी है। जी ठीक है। और अच्छा अब आप मेरे को एक चीज बताइए, जब ये गाय 14-15 दिन बाद हो जाएगी और प्रॉपर फीडिंग करना शुरू करेगी, तो इसको कितनी आप तूड़ी डालेंगे, कितनी इसको फीड देंगे, कितना हरा चारा देंगे? सर इसका तो हमने ये अपना एक शेड्यूल बनाया है, वो डल टाइप नहीं होती ये व्यूअर्स। अभी हम मैं दोबारा आपको डल दिखाऊंगा जो पिछले वीडियो में कमोजी के वीडियो में दिखाई थी। तो ये इनके मिसिज हैं और ये भी ग्रेजुएट हैं। पहली बात है एजुकेशन बैकग्राउंड आपका? सर मैं 2003 का ग्रेजुएट हूँ जी। हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अणु से मैंने ग्रेजुएशन की है जी, और उसके बाद मैंने दुकान का काम भी किया जी, 7 साल मैंने दुकान की जी, और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं एक गाय पालूं, और उस गाय के ऊपर मैंने फोकस दिया, और आज जो है मैं सोचता हूँ कि आप 10-15 गाय जो है वो अकेले पाल सकते। देखिए व्यूअर्स, ये आप ध्यान करने वाली बात है, जैसे जैसे बंदे को एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है वो उसमें गट्स आते रहते हैं, और जैसे इन्होंने एक गाय से सफर शुरू किया था, आज इनके पास अच्छी क्वालिटी की 6-7 गाय हैं। तो अभी हम इनको आपका जो हम जनरली हिमाचल में हम लोगों का स्टाइल है, टोकरियाँ हम लोगों ने रखी होती है, और वो टोकरी का साइज देख के पशु को आहार डालते हैं, जो भी तूड़ी या ग्रीन फॉर्डर है या फीड। फीड कितनी देंगे आप इस गाय को? सर इसका तो हम जनरली हम मानते हैं कि ये 35 या कितने लीटर तक ये गाय पहुंच जाएगी? सर इसका तो अभी कितना बताया मैंने, 32 लीटर जी, तो 40 या 42 तक जाएगी। तो इसका अब मान लेते हैं कि आपकी गाय ये 40 लीटर पे आती है। हाँ जी। तो इसका एग्जैक्ट फीडिंग शेड्यूल क्या रहेगा, और पिछले साल इसने पीक कितना दूध दिया था? सर पिछले साल इस बार तो ये जी इंजेक्शन, बड़ा इंजेक्शन लगाया, तो थोड़ा दूध में भी फर्क पड़ा है, ऑर्डर में भी फर्क पड़ा जी, ज्यादा है जो जैसे हम अच्छी। चलो वो एक अलग इशू है, वो एक्चुअली जो फर्क पड़ेगा वो बच्चे के ऊपर पड़ेगा। जब लास्ट टाइम इसने हाईएस्ट मिल्क दिया था वो कितना दिया था? सर उसका था 36 लीटर। 36 लीटर पे आपका क्या फीडिंग शेड्यूल था? सर उसमें था कि हमने सुबह जब ही मिल्किंग करनी तो 4 किलो फीड डालते थे जी, और उसके बाद जो है हमने 10 बजे जो अंदर इनका घास बचा होता था बाहर लाके धूप में या छाया में, एक फीड होगी 4 किलो मॉर्निंग में। मॉर्निंग और तूड़ी कितनी डालते थे? तूड़ी अप्रोक्सीमेटली ये मान के चलो आप 6-8 किलो का टोकरा होगा जी। हाँ, उसमें और थोड़ा उसमें जो है उसकी 1/3 की रेसो आधा जो है इस ग्रीन फाउडर होगा हमारे पास, तो हम ग्रीन फाउडर डालेंगे, और नहीं होगा तो हम तूड़ी पे रखेंगे इनको, एक टोकरी तूड़ी। हाँ, एक टोकरी तूड़ी, और 8 किलो फीड तो है यानी 12 बजे से पहले जी, 4 बजे से लेके सुबह 4 बजे से लेके 12 बजे तक जो हमने 8 किलो फीड तो देनी जी। हाँ, जो इनकी एग्जैक्ट डाइट है जी, उसमें मिनरल मिक्सचर भी होगा और थोड़ा उसमें ये अपना नहीं। तो शाम को क्या देंगे फिर आप? यही शाम को चलेगा, 5 बजे के बाद। टोटल कितनी फीड आ जाएगी एक पशु को? 16 किलो तो 16 केजी फीड। हाँ जी, 16 किलो आएगी इसको, तभी दूध बनेगा इसका। ये तो है ही नहीं कि 40 लीटर दूध ऐसे मिल जाएगा। और व्यूअर्स ये देखिए, ये एक टोकरी है, ये कितनी टोकरियां आप सुबह डालते हैं? सर यही डलेगी, और इसमें जो हाफ जो है ग्रीन फॉडर की डलेगी, हरे चारे की डलेगी, मतलब एक तूड़ी की टोकरी ये और आधी इसकी, आधी आधी हरे चारे की, हरा होगा मेरे पास तब डालूंगा, नहीं तो ये टोकरी चलेगी तूड़ी की। अच्छा, तो इसमें मुश्किल से व्यूअर्स अगर हम इस टोकरी की बात करें तो उसमें मुश्किल से 3-3.5 किलो तूड़ी आएगी। हाँ, इतना है। तो 3-3.5 किलो तूड़ी मॉर्निंग में और 3-3.5 किलो इवनिंग में देते हैं। और जो इन्होंने बताया 4 किलो फीड डे डालेंगे सुबह। हाँ जी, 4 बजे 4:00 जब दूध निकालने का समय आएगा ना। कितने बजे? अप्रोक्सीमेटली 4:00 4:15 5 बजे। और फिर दूसरी बार जब डालेंगे तो क्यों? तो फिर 10 बजे जो इनका बचा होगा, जो बचा होगा थोड़ा बहुत खुरली में घास, तो उसमें मिला के डालेंगे हम, फिर डालेंगे। हाँ, और फिर शाम को? फिर शाम को जी। कितने जैसे हम दूध निकालेंगे तो अब डाल देंगे। कितने किलो?
वही 4 किलो। और फिर और उसका वो बर्तन रखा है जल बर्तन देखना। कई बार व्यूअर्स ये जो क्वांटिटी बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग हिमाचल में जनरली कोई वेट नहीं करते, बट जो हमारा आइडिया है क्योंकि हमने वेट करके चीज़ों को देखा है, तो इस वाली टोकरी में मुश्किल से 3 किलो से तूड़ी ऊपर नहीं आ सकती। ये मैक्सिमम तूड़ी मैंने आपको बताई जो ये, और आप इसको प्रेस करके तूड़ी डालते हैं या नॉर्मल भरते हैं इसको बस कोई दबा के नहीं डालते हैं नहीं। तो मुश्किल से व्यूअर्स इसमें 3 किलो तूड़ी से ऊपर आ ही नहीं सकती। और ये इसका फीड का, और ये फीड का है, आप देख सकते हैं इसमें कितने ये कितने डालते हैं ये भर के कितने 2 kg का ये। हाँ हाँ, दो पड़ेंगे इसमें जी। अच्छा, ये 2 kg का है इसका, इन्होंने हो सकता है वेट किया हो। तो ये 4 बजे 4 किलो डालेंगे, 10 बजे फिर 4 किलो डालेंगे, फिर 5 बजे 4 किलो। हाँ, और शाम को, शाम को जब सभी लोग जैसे अपने पशुओं को देखने जाते हैं कितने बजे 9 बजे अच्छा तो उस टाइम फिर डालेंगे। हाँ, फिर तो एवरेज आप मतलब 40 किलो वाले पशु को 16 किलो हाँ जी फीड डाल रहे हैं। और एग्जैक्ट है सर, आप जैसे अभी समय लगेगा नहीं तो अभी इलेक्ट्रिशियन मिल्किंग करके बता देंगे। नहीं, कोई बात नहीं, हम आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, जो भी आप बात कर रहे हो सकता है वो सही हो चीज़ें। तो अब इस गाय के ऊपर आते हैं, ये बड़ी छोटी सी गाय दिख रही है बट अडर इसका बहुत बड़ा दिख रहा है जी। तो ये देखिए व्यूअर्स साइज इसका, आप इसको चलाएंगे प्लीज थोड़ा सा। व्यूअर्स देखिए कितनी छोटी सी गाय है, बट इसका अडर साइज देखिएगा। स्पेशली मैं इनसे चलने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो उन्होंने मेरे को लैक्टेशन बताया वो भी हैरान करने वाला है। ये देखिए, और आप वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आप वीडियो पे एंड तक बने रहिए, इस तरह से आपको वॉक करके भी गायों को दिखाएंगे। ये देखिए कितने सुंदर अडर की ये गाय। और ये थोड़ा सा हम लोगों की हिमाचल में इशू है, हूफ्स का बहुत दिक्कत है। और आप 1 मिनट रोक दीजिए इसको, ये देखिए व्यूअर्स कितनी बढ़िया ये क्रॉस ब्रीड की गायें हैं, जन बोलते हैं कि क्रॉस ब्रीड। ये देखिए एक फ्रेम में आपको गाय दिख रही होगी, और इसका काफ़ी गाढ़ा दूध होगा शायद। ये देखिए बहुत छोटे से साइज की गाय, ये देखिए अच्छा सर ये कितना दूध निकाल रही है गाय, और इसको बच्चा दियो। ये व्यूअर्स इसका बच्चा है, और आगे चल के अगर इस तरह की गायों के बच्चे हमारे पास रिटेन होते हैं तो वो ये एक एसेट है। ये कितना दूध आपको दे रही है ये इसका सर? 16 के प्लस रखो आप। 16 एक टाइम या दो टाइम? एक समय का बस ऐसे रहने दीजिए। अच्छा 16 लीटर्स। और इसका फैट कितना है गाय का? फैट तो सर भैंस के बराबर ये इसका फैट। अच्छा जी जी। और ये बताइए कि कौन से लैक्टेशन में ये गाय है? सर ये 9वें लैक्टेशन में, 9वीं बार बच्चा दिया है। तो व्यूअर्स ये देखिए, हम लोग जनरली ये बात करते हैं कि 4-5, और ये देखिए 9th लैक्टेशन में भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में ये इनकी गाय हैं। आपको वीक लग रही होगी क्योंकि अभी इसने 20-22 दिन पहले ही काविंग करा है, और आप साइज़ देख सकते हैं 34 लीटर ये गाय दूध निकाल रही है अभी। अब इसका एग्जैक्ट फीडिंग शेड्यूल क्या है? उसका हम 8 देते हैं तो इसको हम 6 देते हैं। अच्छा जी हाँ जी। यानी कि एक फुल डालेंगे इसको जो बताया स्टील का बर्तन जी, और एक आधा डालेंगे जी। हाँ जी सुबह, और मतलब इसको 12 किलो दिन की जा रही है? हाँ जी। 4 बजे 2 और आधा? हाँ जी। 1 और आधा? हाँ जी जी। फिर 10 बजे फिर 1 और आधा? हाँ, तो 6 किलो फिर एक डालना है इसको जी जी। हाँ जी। और शाम को दूध निकालने के समय 1.5 डालेंगे जी, शाम को फिर एक डालेंगे जी। हाँ जी। तो मतलब 12 किलो फीड ये खाती है। और ये जो दूध का पीक है, जैसे 34 लीटर हमने बात की, ये अभी कितने दूध तक पीक तो आया नहीं होगा इसका अभी? नहीं सर अभी नहीं। कितने पीक पे जाती है गाय सर इसका? तो ये तो खाने के ऊपर डिपेंड है, अगर हम इसको नहीं, वैसे मैक्सिमम इस गाय से कितना दूध आपने लिया सर? इसका तो हमने 36 लीटर 37 लीटर तक पहुंचाई भी है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अब ये आपकी अगली, ये हीफर काफी अच्छी क्वालिटी की, काफी बढ़िया फ्रेम की गाय लग रही है आपकी। ये सर डेनमार्क है ये जी, ABS डेनमार्क जी। अच्छा ABS की है। तो व्यूअर्स इस चीज के लिए माफ करिएगा क्योंकि फार्मर्स को उतनी नॉलेज नहीं है अभी इंजेक्शन के बारे में, अभी आहिस्ता आहिस्ता एजुकेशन मिल रही है, और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि हिमाचल में भी अच्छे जो पशु हों वो अवेलेबल हों। मेहनत में कोई हिमाचल का फार्मर कमी नहीं रखता है, जिससे आपको गाय देख के अंदाज़ा हो भी रहा होगा। तो ये कितना, आप देखिए कितने सुंदर अडर की ये काउ है, इसको काविंग के बच्चा दियो कितना टाइम हो गया सर? इसको 1.5 महीना हो गया। अच्छा 1.5 महीना हो गया, और अभी ये कितना दूध दे रही है सर? इसका 15 लीटर। 15 लीटर एक टाइम दो टाइम? एक समय का 30 लीटर के आसपास ये गाय दूध दे रही है जी। तो इसका इसको कितनी फीड आप डालते हैं सर? इसका सिस्टम ये है कि जैसे इसको पहली वाली को डाली बैस पे उतनी इसको डाल रही है। 16 किलो? हाँ जी। तो ज्यादा नहीं है इसको 16 किलो पहली वाली से? ये जो
12 किलो। अच्छा 12 किलो ये खा रही है। और आगे एक और गाय है आपकी, ये इसको बच्चा दिया हो कितना टाइम हो गया? सर इसको तो 2 महीने हो गए। अच्छा और ये ढाई महीने। अच्छा और ये कितना दूध अभी दे रही है? सर इसका है, इसका भी 16 17। और इसको कितना फीड दे रहे हैं? सर इसकी भी बराबरी है 12 किलो। 12 किलो मतलब वो 18 किलो खाएगी लास्ट वाली। हाँ जी। और ये क्या 18? और सर इसका जो शुरू में जो जब ये इसने काबिंग की थी जी, बची थी जी, तो इसका भी 18 18 18 20 तक पहुंचाया था हमने और दिया इसने 3 टाइम मिल्किंग की। अच्छा जी। अब ये थोड़ी मेस्टाइसिस प्रॉब्लम आई थी इसी वजह से थोड़ा। और उम्र कितनी है इसकी? सर इसका तो थर्ड लैक्टेशन है मेरे पास। जी 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 जी। तो व्यूज ये देखिए, ये इस तरह से भी आप अच्छे क्वालिटी एनिमल्स रख के और बहुत अच्छा आप दूध इन गायों से ले सकते हैं। ये आपकी मेहनत के ऊपर है। जो इन्होंने फीड का बताया वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से एनालाइज करते हैं। हाँ इसको प्लीज़ चलाइए क्योंकि 16 किलो फीड को, अच्छा 16 किलो फीड डाइजेस्ट करने में कोई दिक्कत तो नहीं होती गाय को? कोई दिक्कत नहीं आती? और ये देखिए ये इनकी मिसिज हैं और ये हैं नमस्ते जी। और ये एक मिनट इस गाय को, और इनका इक्वल कंट्रीब्यूशन है, ये भी ग्रेजुएट हैं और दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छे तरीके से डेरी। क्या आप खुश हैं इस बिज़नेस से? और कोई आपको लेबर या जैसे कोई हेल्प वाला बंदा रखने की कोई ज़रूरत नहीं अभी? सर अभी नहीं है। अच्छे पैसे आपको आ रहे हैं? हाँ जी। आपको कितने पैसे बनते हैं महीने के? बताया तो है। तो ये देखिए व्यूअर्स, अभी हम लोग ये आपको गाय चल के दिखाते हैं। ये देखिए बहुत ही शानदार क्वालिटी का अडर है गाय का। ये देखिए ये देखिए। अच्छा मैम से जानेंगे कि मैम आप एक चीज़ हमें बताइए, इतने पशुओं की देखभाल करने के लिए सुबह आप कितना टाइम लगाते हैं? शायद ये मिल्किंग आप सब पशुओं के आप ही करते हैं? सर शायद मिल्किंग नहीं करते हैं। देखिए व्यूअर्स, इतना दूध निकालना 50 या 60 लीटर दूध एक टाइम में निकालना, क्योंकि अश्वनी जी मिल्किंग उनको नहीं आती है, और ये आप ही करते हैं कोई और भी हेल्प करता है आपकी? तो कभी आपको दिक्कत नहीं आई इतना दूध निकालने में? अच्छा आदत बन गई है। तो 50 60 70 लीटर दूध निकालना एक टाइम में, कितना टाइम आपको लगता है? सर मैं मतलब 1 घंटा 15 मिनट में फ्री हो जाती थी इनसे दूध निकालते। वेरी नाइस। और कभी ऐसे हाथों में कोई दिक्कत? व्यूअर्स अभी इन्होंने मिल्किंग मशीन ले ली है और अभी ये मिल्किंग मशीन यूज़ करके दूध निकालते हैं। बट इंस्पिरेशनल है कि अकेले लेडी होते हुए सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठना, क्योंकि 5 बजे इनको सप्लाई के लिए भी जाना होता, तो शायद 3 बजे उठना पड़ता होगा आपको। तो ये रूटीन है इनका डेली का। और इतनी गायों से अकेले लेडी ने दूध निकालना अपने आप में बहुत ही इंस्पायरिंग है। तो और आपको क्या लगता है कि इस तरह का बिजनेस में लेडीज़ को भी आगे आना चाहिए, कामयाब हो सकते हैं कि नहीं? हाँ सर अकेले तो अकेला इंसान कुछ भी, दोनों साथ हो तभी होगा। तो देखिए भी हेल्प होनी चाहिए जी। फैमिली सपोर्ट, हस्बैंड की वाइफ को और वाइफ की हस्बैंड को सपोर्ट इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो अश्वनी जी आप क्या बोलना चाहेंगे हिमाचल के फार्मर्स को? मैं तो सर यही बोल रहा, जो हमारा यूथ है ना जी, वो बद्दी जा रहा है, फिर बाहर जा रहा है नौकरी के लिए, 10-15 हज़ार रुपये का बिजनेस कर रही है, नौकरी कर रहे हैं। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि उनके पास ज़मीन हो, चाहे थोड़ी ज़मीन हो, तो वहाँ 2 गाय पाल के वो अपने परिवार का निर्वाह कर सकते हैं और एक लग्जरी लाइफ भी जी सकते हैं। इसमें ये 24 घंटे ये तो है नहीं कि पशुओं के पास रहना। कितना टाइम डिवोट करते हैं आप सुबह शाम? सर ये होता है कि सुबह जैसे हम 4 बजे उठते हैं, 4:45 बजे भी उठ जाते हैं कभी कभार, तो 2 घंटे में हम फ्री होके, मतलब 2 घंटे इवनिंग में 2 घंटे मॉर्निंग में, और पूरा दिन फ्री? फिर सर हम ले जो दूध सप्लाई करते हैं दोपहर को, अच्छा 5.30 घंटे, 10 बजे से लेके सर 4 बजे तक हमारे पास कोई काम नहीं होता जी जी, चाहे आप घूमो चाहे सो, जो काम करना वो करो आप। सो व्यूअर्स ये देखिए इन्होंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। और एक चीज़ और आपको दिखाना चाहूँगा, कोई बहुत ही इन्होंने शेड के ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं करा है, जो कि अब ये करने की सोच रहे हैं क्योंकि अब इनके पास साधन भी हैं और ये संपन्न भी हैं, क्योंकि इनको हर महीने काफ़ी अच्छा पैसा आ रहा है। तो ये देखिए इनका बड़ा नॉर्मल सा शेड, जो पुराने टाइम में हमारे हम लोगों के यहाँ काउ शेड्स होते थे वही है। अब ये लेंटर वाला इसको बनाएंगे और तब हम इनकी अगेन वीडियो शूट करेंगे।
तो हम लोगों को अगर डेयरी फार्म शुरू करना तो हमें मेजर फोकस करना होगा क्वालिटी काउज के ऊपर। अगर हमारे पास गाय अच्छी होगी तो वो हमें इनकम देगी और उस इनकम को इन्हेंस करके हम कुछ भी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, वीडियो थोड़ी सी लंबी थी, हो सकता है वीडियो आपको डेफिनेटली अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और अपने जो भी आपके थॉट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।